हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट हिंदी ऑफ स्टैंडर्ड 7। सो लेट स्टार्ट। ओके, टुडे इज़ योर टॉपिक, आई मीन लेसन नंबर 4, कथनी और करनी। कथनी मतलब कहना और करनी मतलब कार्य करना। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको कथनी और करनी मतलब कि आप जो बोलते हो वो करते हो या नहीं करते हो, उसके बारे में आपको दिया गया है एक वार्ता के द्वारा। तो लेट स्टार्ट। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे सवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। सही बात है कि मनुष्य जो बोलता है वो करता ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभार वो अपनी ज्ञान के बारे में बहुत ही डिंगे मारता है, लेकिन कभी कभार वो चीज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कथनी और करनी में बहुत ही बड़ा अंतर है, ऐसा ये पाठ में बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड मारा है कि फूल तोड़ना मना है, फिर भी ये इंसान यहाँ पे फूल तोड़ रहा है। ठीक है, नाउ बस्ती में बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों में फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग रोज सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोग के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तो ये थी कि सामने आई, जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी सुबह फूल तोड़ते देखा, वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जिसने बोर्ड लगाया था यहाँ पे फूल तोड़ना मना है, वही इंसान फूल तोड़ रहा है। अब सब लोग उसको देखते हैं तो वो शर्म से पानी पानी हो जाता है, तो वो क्या बोलता है कि मैं तो पूजा के लिए तोड़ रहा था, है ना। तो कभी कभार कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसा ही दूसरा किस्सा है, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उनसे जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फिंकवा दी। ठीक है, अब जो कंडक्टर है उसने क्या बोला था कि यहाँ पे बस में सिगरेट पीना मना है, तो धूम्रपान नहीं कर सकते आप, तो उसकी जो जलती हुई बीड़ी थी वो बाहर फिंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने वह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। अब इसका क्या अर्थ हुआ, वाक्य किसी के भी लिए हो, है तो इंसान के लिए ही ना, भले ही वो कंडक्टर हो, ड्राइवर हो या कोई भी पैसेंजर हो। ये जो धूम्रपान वर्जित है ये बोर्ड तो सबके लिए था, इसलिए अगर कोई पैसेंजर सिगरेट नहीं पी सकता तो कंडक्टर और ड्राइवर भी नहीं पी सकते, है ना। मज़ेदार किस्से। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर यहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए।
सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, ये मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़ता है तब आदर्श भूल जाते हैं। ये दुकानदार ने क्या किया कि जो खरीदारी करने आए थे उसको तो वाहन रखने के लिए मना कर दिया, लेकिन उसका बेटा आया तो उसको वहाँ पे वाहन रखने दिया। अब ये तो गलत बात है, नियम तो सबके लिए होता है। इसीलिए कथनी और करनी या पाठ का नाम यथार्थ है कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक दिन एक सज्जन के घर उसके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा है जो पिछले 4 माह से किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है। अब वो बच्चा तो छोटा था, उसको थोड़ी ना झूठ बोलना आता था, तो उसने क्या बोल दिया कि अंदर से पापा ने बोला है कि वो घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगे। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि बच्चे को भेज दिया झूठ बोलने के लिए, लेकिन बच्चा झूठ नहीं बोल पाया। ऐसा ही एक दूसरी बात है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे करके दूसरा किस्सा है। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसने हाथ में थामा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी है ना। उसने उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे, क्योंकि बच्चा तो निर्दोष था, तो उसको लगा कि अभी दादाजी लाइन में खड़े रहेंगे। लेकिन दादाजी ने तो क्या किया, एक किसी दूसरे इंसान को बिल और पैसे थामा दिए बिल भरने के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। नीचे आपको एक अच्छा सा वाक्य दिया है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। मतलब कि जब आप जो बोलते हो अगर वही चीज़ करते हो तभी आपको जग में सम्मान मिलता है, अन्यथा अगर आप जो बोलते हो उसे विरुद्ध कर्म करते हो तो लोग आपके हंसी ही उड़ाएंगे कि लो बोलता कुछ और है करता कुछ और है। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ में से आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि हमें वही बोलना चाहिए जो हम कर सकते हैं और वही करना चाहिए जो हम बोलते हैं। ओके, सो गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।